हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथ्स करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे काफी सारे उस पर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बेसिक इसका हम सीख चुके हैं कि भाई एक्सपोनेंट होता क्या है, बेस क्या होता है, पावर क्या होती है, ये सब आप यहाँ पे सीख चुके हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं, फिर अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी घातांकीय रूप में किसी नंबर को व्यक्त करना हो तो कैसे करते हैं, उसका पहले आप गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर दिया हो तो उसको आप उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का। क्या बोला गया है इसमें, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो इसमें आपको क्या करना है, ये बताना है दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है, चार के ऊपर घात तीन या तीन की घात चार, बड़ा कौन सा है इसमें से, ये आपको पहचानना। तो कैसे पहचान पाएंगे, देखिए आपको सिंपली इनकी वैल्यू निकाल लेनी है ना। जैसे वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे, चार के ऊपर घात तीन है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, चार इंटू चार, चार को तीन बार मल्टीप्लाई किया है, कितना हो जाएगा, चार चौक 16, चौके 64। अगर तीन के ऊपर घात चार हो तो तीन को चार बार ही मल्टीप्लाई करना होगा आपस में, कितना आ जाएगा, तीन तीन नौ, नौ तीस 27, तीय 81, 81 आ जाएगा। इनमें से तो बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है, 81 बड़ी संख्या है, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि 81 बड़ा है 64 से, देयरफॉर तीन के ऊपर घात चार बड़ा होगा किससे, चार के ऊपर घात तीन से। तो इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट आप खुद करके बताइए मुझे कि पांच के ऊपर घात तीन बड़ा है या फिर तीन के ऊपर घात पांच बड़ा है, इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होने वाली है। तो देखिए पांच के ऊपर घात तीन है, कितना आएगा, पांच को तीन बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो पांच इंटू पांच 25, इंटू पांच 125 होना चाहिए। अब यहीं पे अगर तीन के ऊपर घात पांच है, मतलब तीन को पांच बारी मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, कितनी बारी, पांच बारी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, कितना आ जाएगा, तीन को अगर पांच बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तीन तीया नौ, नौ तीय 27, तीय 81, तीय 243, 243 आ गया। देखते ही हम बता सकते हैं कि 243 बड़ा है 125 से, बड़ा है 125 से, इसीलिए आप यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर तीन के ऊपर पावर जो पांच है वो बड़ा होगा पांच के ऊपर घात तीन से। इस तरह से बच्चों आप जो भी क्वेश्चन हो वो कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसके वो अटेम्प्ट करके देखिए एक बारी आप। तीसरा भाग है दो के ऊपर घात या आठ या आठ के ऊपर घात दो। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, जो इसका अगला पार्ट है उसमें बोला गया है कि दो के ऊपर घात आठ या फिर आठ के ऊपर घात दो। तो देखिए आठ के ऊपर घात दो कितना होगा, 64 हो जाएगा है ना, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो को आठ बारी मल्टीप्लाई करना। तो सिंपली अगर देखेंगे हम तो ऐसे ही हमें पता लगने वाला है कि कौन सा बड़ा होगा, कैसे, देखिए दो इंटू दो चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 तो यहीं तक हो गया, जबकि ये तो पूरा 64 है, 64 को अगर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये आठ के ऊपर पावर दो से बड़ा हो जाएगा, यानी सिंपली सीधा आप लिख सकते हैं दो के ऊपर घात आठ बड़ा है आठ के ऊपर घात दो से, डायरेक्टली लिख दिया, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि यहीं से यहां तक आपने चेक कर लिया कि यहां तक कितने हैं, यहीं तक ही 64 हो जाता है पूरा।
आगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 से बड़ा ही होगा, इसीलिए आप बोल सकते हैं 2 के ऊपर घात 8 बड़ा होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पे पूछा गया है 100 के ऊपर घात 2 बड़ी होगी या फिर 2 के ऊपर घात 100। तो अगर 100 की पावर 2 होगी, इसको हम लिख सकते हैं 100 × 100 कितना हो गया, ये 10,000 आ गया। अब बताना है कि 2 के ऊपर घात जो 100 होती है क्या वो 10,000 से बड़ा है या छोटा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 के ऊपर घात 10 निकाल लेते हैं पहले। 2 को 100 बारी मल्टीप्लाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है, तो 2 की पावर 10 निकाल लेते हैं, मतलब 2 को 10 बारी मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4, 5 2 को हम 10 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप अपने तरीके से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 4, 4 × 8 × 16 तो यहाँ पे 16 लिख सकते हैं आप, इंटू 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 64 इंटू 64 ठीक है। अब इसको अगर फर्दर आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 64 को कितना आ जाएगा, 16 × 64 ठीक है, 6 हासिल 16 × 96 और 6 102 तो ये 1024 आ गया ठीक है। अब 2 के ऊपर घात 10, 2 के ऊपर घात 10 है ना, लेकिन 2 के ऊपर घात अगर 100 है तो ये तो 2 के ऊपर घात 10 को भी हमें 10 बारी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज समझे भाई। 2 के ऊपर घात 10 को अगर 10 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तभी तो आप आएगा 2 के ऊपर घात 100 10 times। और आपको पता है क्या पता है, जो 2 के ऊपर घात 10 है वो 1024 है, कितना है 1024 है इंटू 1024 इंटू 1024 और ये भी कितनी बारी है, ये भी 10 times है, 10 बारी होगा गुना 1024 ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो 1024 है अगर हम उसको 1000 ही मान लें, कितना 1000 मान लेते हैं, चलो 1024 नहीं राउंड फिगर में 1000 मान लेते हैं, 24 कम ही है सही, लेकिन 1000 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सिर्फ मैं इन दो को बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना बड़ा नंबर आ गया जो 10,000 से कहीं ज्यादा बड़ा है। अब सोचो 10 के 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बड़ा आ जाएगा, इसीलिए हम इजीली बोल सकते हैं कि 10 के ऊपर घात 100 के ऊपर घात 2 छोटा होगा 2 के ऊपर घात 100 से ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई 100 के ऊपर घात 2 होगा छोटा किसके, 2 के ऊपर घात 100 से, यही हमें पता लगाना था, ये हम पता लगा चुके हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि ये पूरा कैलकुलेशन करो, पूरा सॉल्व करो, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप देख के ही अंदाजा लगा के पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। यहाँ से हमने सिर्फ 2 की घात 10 को और 2 की घात 10 को ही आपस में मल्टीप्लाई किया है, तभी इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो आगे वालों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। नोट डाउन कर लो, इसको कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ सकते हो आप। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, उसमें आपको कंपेयर करना है 2 के ऊपर घात 10 या 10 के ऊपर घात 2। तो देखिए जो 2 के ऊपर घात 10 है वो तो अभी हमने निकाला था 1024 है ना, और 10 के ऊपर घात 2 है वो कितना होता है, 100 होता है, 10 × 10 100 हो जाएगा। तो सीधा पता लग रहा है हमें 2 के ऊपर घात 10 बड़ा होगा 10 के ऊपर घात 2 से, हमें तो सिर्फ ये चेक करना था, तो इसलिए आप चेक कर सकते हैं ये, इसको नोट डाउन कर लो। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कैसे इनको व्यक्त करेंगे आप, निम्नलिखित में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों की गुणनफल के
रूप में व्यक्त करना है, गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में। तो मतलब एक चीज तो यहाँ समझ में आ रही है क्वेश्चन पढ़ते ही कि आपको गुणनखंड निकालने हैं इसके। तो सबसे पहले हम गुणनखंड निकालने लग जाते हैं। नंबर है हमारे पास 648, 648 को कि गुणनखंड निकालेंगे तो दो से भाग करेंगे, दो तिया छह, दो तुनी चार, दो चौके आठ, फिर दो से भाग करेंगे तो दो एकम दो, दो छिके बारह, दो दुनी चार, फिर से दो से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो अठे सोलह, दो एकम दो, अब ये तीन से भाग होगा तो ये 27 आ जाएगा, फिर तीन से तो नौ, फिर तीन से करेंगे भाग तो तीन, और फिर तीन से भाग करेंगे तो एक आ जाएगा। ये गुणनफल हो गया, ये गुणनखंड हो गया। अब बोला गया है कि गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। गुणनफल मतलब इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो गुणनफल हो गया। तो जो 648 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं पहले। तो गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो गया, 2 × 2 × 2, जितने भी गुणनखंड आए हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, गुणा कर देते हैं, फिर 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट बच गया कि गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में। तो गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तो हमने इनको व्यक्त कर दिया, इनकी घातों के मतलब यहाँ पे अब आपको पावर्स का इस्तेमाल करना है, घात लगानी है। तो दो के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, कितनी पावर आएगी, जितनी बार ये रिपीट हुआ है, तो दो आपस में कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ, तीन बारी, तो दो की घात तीन आ गई, इंटू तीन के ऊपर कितनी घात आ जाएगी, चार। तो इस तरह से इनको व्यक्त कर सकते हैं हम। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह से होंगे, एक बार अटेम्प्ट करके इसको नोट डाउन करो पहले, इनको ट्राई करके मुझे आंसर बताओ क्या आंसर आएगा आपका। करिए इनको सॉल्व कीजिए, और जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हो। देखिए अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो हमारे पास है 405, कितना है 405, इसको भाग करेंगे कितने से, तो सबसे छोटा 3 है जिससे ये भाग हो सकता है, 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15, 135 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये 15 × 3 = 45, और फिर हम इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 5 × 5। तो 405 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 5 ये लिख सकते हैं हम। अब इसको आप घातों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 3 कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ आपस में, 4 बारी, तो 3 के ऊपर घात तो 4 आ गई, इंटू 5 तो एक ही है तो 5 को ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 540 के आपको गुणनखंड निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर्स आप निकालेंगे। सबसे पहले किससे भाग कर सकते हैं आप, 2 से भाग कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 0 का 0, फिर से 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो ये 2 से भाग करेंगे, फिर उसके बाद इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 15 × 3 = 45 होता है, और ये 5 × 5 = 5 हो जाएगा। तो 540 को आप क्या लिख सकते हैं इसके रूप में, अगर गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है तो इनको आपस में जो भी गुणनखंड हैं मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 5। अब घात क्या आएगी वो देखना है हमें, तो 2 कितनी बारी मल्टीप्लाई किया हुआ आपस, 2 बार, तो 2 के ऊपर घात तो 2 आ जाएगी, इंटू 3 के ऊपर घात 3 × 5। तो जो हमें दिख रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब एक इसका लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पे 3600 है जिसके आप गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे ये 1800 आ जाएगा, फिर से 2 से तो ये 900, ऐसे ही आप 2 से भाग करते रहेंगे जब तक ये आगे चलता रहेगा।
तो ये 450 को 2 से भाग करेंगे तो 225, फिर 225 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 21, 3 पंचे 15, इसको फिर 3 से करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब 3600 है, इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो यहाँ पे 2 कितनी बारी लिखा गया है, 2 को 4 बारी मल्टीप्लाई किया है, तो 2 × 4 × 3 × 2 × 5 × 2 ये आ जाएगा आपका आंसर। इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो आप बच्चों पूछ सकते हो, इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये लेक्चर। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।